So, hello guys! Welcome back to CUET by Ada 24/7. This is your English mentor, guys, Janvi, with you and. Uh, I आज की वीडियो में यार हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है आपकी उत्तराखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसका नेम क्या है बेटा हेमवती नंदन बहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी यह है उत्तराखंड की बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पर लोकेटेड है तीन जगह पहाड़ों पर है यार इसका कैंपस और ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में राइट उत्तराखंड की है बेसिकली पहाड़ियों के लिए या फिर हम कह सकते हैं ना कि जो लोग बेटा उत्तराखंड में बिलोंग करते हैं जो बच्चे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या फिर आसपास के एरियाज जो कि उत्तराखंड के आसपास है सो so... बेसिकली वो बच्चे जरूर एंड आई थिंक सेंट्रल इंडिया वाले बच्चे भी जरूर जा सकते हैं यार उत्तराखंड की इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सो so इसका नेम है बेटा हेमवती नंदन बहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है इस यूनिवर्सिटी का राज क्या है इसकी हिस्ट्री क्या होने वाले हैं इसके लिए रिव्यूज एलिजिबिलिटी प्लेसमेंट लिस्ट ऑफ कोर्सेज भाई कौन कौन से यू लेवल के कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं एंड एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है बेटा ओके सो so सेंट्रल

यूनिवर्सिटी अप्रोक्स एक लाख तीस हजार बच्चों ने यार ऑल ओवर इंडिया इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कराए क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की बहुत तगड़ी वैल्यू है क्योंकि यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड की राइट उत्तराखंड में है है सेंट्रल यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है सीयूईडी का हिस्सा है राइट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पंजाब असम तमिलनाडु एंड उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं सो दिस इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेटा तो चलिए जल्दी से सेशन को शुरू करेंगे यस 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 चलिए फटाफट सेशन को शुरू करते हैं हम लोग और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं इस यूनिवर्सिटी के बारे में सो so, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है हेमवती नंदन बहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी को आप बोलते हैं एच एन बी जी यू इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन उत्तराखंड ठीक है और इसके एडमिशन्स बेटा ओपन हो गए हैं एच एन बी जी यू के एडमिशन ओपन हो गए हैं सी यू ई टी के थ्रू द लास्ट डेट बेटा जो आखिरी डेट है ना यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है एच एन बी जी यू का जाके रजिस्टर करो एच एन बी जी यू में और यहाँ पर आपका एडमिशन किसके थ्रू हो रहा है यार सी यू ई टी के थ्रू हो रहा है रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है इस

कई सारे कॉलेजेस यार आपके इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे है, वैसे ही एच वैसे ही एचएनबीजीयू आपकी क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यार उत्तराखंड की ठीक है जी समझ रहे हैं सारे बच्चे चलिए बिल्कुल सो so, हरियाणा वाला भी करेंगे राइट सो so, अभी हम बात करते हैं एरिया कैंपस के बारे में तो इसके तीन कैंपस है मैंने बताया बिरला चौरस कैंपस है इसका बीसीसी बी गोपाल रेड्डी बीजीआर कैंपस है इसका पौड़ी में है जो कि एक है आपका तेहरी में स्वामी राम तीर्थ कैंपस तीन इसके कैंपस है और इसके अंडर सोचो कितनी विशाल यूनिवर्सिटी है एक कॉलेज आते हैं इसके अंडर राइट एक कॉलेज इससे क्या है बेटा अफिलिएटेड है और ये सात डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है गढ़वाल रीज़न के उत्तराखंड रीजन के ये सात डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है बहुत बड़ी विशाल यूनिवर्सिटीज है यूनिवर्सिटी और 121 यार समझ रहे हो 100 से भी ज्यादा कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी से क्या है बेटा एफिलिएटेड है इसके अंडर इससे मान्यता प्राप्त है ठीक है समझ गए सारे बच्चे बिल्कुल एचएनयू भी बाहर के स्टेट्स बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं होंगे भाई बिल्कुल होंगे कैसी बात कर रहे हो यार आउटसाइडर्स के लिए सब में वो रहता है आपका क्या रहता है कोटा रहता है चलिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इस बारी अभी CUET के थ्रू अराउंड एक लाख तीस हजार बच्चों ने अप्रॉक्स जो है इस यूनिवर्सिटी में क्या करा है बेटा अप्लाई करा है जाके अप्लाई कर दो क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है खुला हुआ है रजिस्ट्रेशन पोर्टल की साइट फिर से देख लो वेबसाइट बता रही हूँ क्या है इसकी रजिस्ट्रेशन पोर्टल की वेबसाइट एच एन बी जी यू सी यू ई डी डॉट समर्थ डॉट ई डी यू डॉट इन ठीक है समझ रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों चलो आगे बढ़ जाते हैं ना लिस्ट ऑफ़ कोर्सेज लिस्ट ऑफ़ कोर्सेज यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कौन कौन से कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करे जाते तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ मैं आपको लेके चलती हूँ यार इसके ऑफिशियल ब्रॉशर पर ठीक है मैं आपको लेके चलती हूँ यार इसके ऑफिशियल ब्रॉशर पर या फिर हम देखो साइट को भी सर्च कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ सो आपको एच एन बी एच एन बी जी यू लिखना है HNBGU लिखना है ठीक है आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने क्या आ जाएगी साइट आ जाएगी देखो ये है मेन साइट हेमवती नंदन बहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी जब आप इस पे क्लिक करेंगे खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ स्नैट्स स्लो चल रहा है एक मिनट रुको बिल्कुल सो जब आप इसको सर्च करेंगे देखो ये आ गई HNBGU को जब आपने सर्च कराया सो देखो ये है आपके यूनिवर्सिटी का पूरा ऑफिशियल वेबसाइट उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है अब देखो यहाँ पर आपके लिस्ट ऑफ़ कोर्सेज कहाँ पर आएंगे सो आपको यहाँ पे जाना है एकेडमिक में जाना है और ये देखो कोर्सेज ऑफर्ड इन यूनिवर्सिटी कैंपस कौन कौन से कोर्सेज आपके यूनिवर्सिटी कैम्पसेज में ऑफर किए जाते हैं सी यू ई टी यू जी के थ्रू इसका एडमिशन हो रहा है अब देखो सबसे पहला कोर्स कौन सा है यार जो कि इस यूनिवर्सिटी में है आपका बी ए का कोर्स फिर है बी ए ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स है बी कॉम है बी एस सी है बैचलर ऑफ लॉ है एल देखो मैं आपको लिस्ट ऑफ कोर्सेज बता रही हूं इस यूनिवर्सिटी के अगर आपको दिख रहा है तो मैं और इसको जूम कर देती हूं है ना बेटा अब आपको शायद और ढंग से दिख रहा होगा यहाँ से देखो ये है लिस्ट ऑफ कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर को, uh, कोर्सेज ऑफर्ड इन एच बी ए बी एनर्स एंड मास्कॉम बी कॉम बैचलर ऑफ साइंस लॉ है आपका एल एल बी फिर बी टेक है आपका बी फार्मा है बी एड है बी पी एड बैचलर ऑफ़ फ़िजिकल एजुकेशन बी लिप है बेटा बैचलर ऑफ़ लाइब्रेरी बी बी ए है आपका बी बी ए है यानी कि बैचलर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देन यहाँ पर आपके मास्टर्स के कोर्स है बेटा ये मास्टर्स के कोर्स हैं अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है आपका यहाँ पर एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है बेटा यहाँ पर ठीक है और अब आप मैं आपको लेके चलती हूं यार इसके ऑफिशियल ये है आपका क्या बेटा ऑफिशियल इसका ब्रोशर है 2022 ईयर के लिए अकेडमिक ईयर 2022 से 23 के लिए इसका ऑफिशियल ब्रोशर मैं खोल देती हूं ये देखिए लिस्ट ऑफ कोर्सेज वही बीएससी है बीए है आपका राइट right? और आपको देख लीजिए यहाँ पर सारे कोर्सेज़ है बी भी है यहाँ पर बी एस इन योगिक साइंस है देन बी पी है आपका है ना सारे कोर्सेज़ मैंने आपको बताए थे बी है आपका कई सारी ब्रांचेस में बी होता है बेटा एच एंड में है ना जी चलिए और आपका बी है यहाँ पर बी इन जर्नलिज्म मास कॉम है देन 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 मैंने आपको एल के बारे में बताया था राइट right? ये सारे कोर्सेज़ है बी आपका एंथ्रोपोलॉजी में है इकोनॉमिक्स में है आपका बी ए दैन हिस्ट्री में आपका बी है फ़िलोसफी uh, में है पॉलिटिकल साइंस में है साइकोलॉजी में है सोशियोलॉजी की ब्रांच है बेटा लॉ है यहाँ पर बॉटनी में बी है बायो में बी है ओ माय गॉड ओ माय गॉड कितनी सारी ब्रांचेज है जोलॉजी में यार आपकी बी है है ना बायोटेक्नोलॉजी का भी पाँच साल का कोर्स है बेटा बायोटेक्नोलॉजी का आपका पाँच साल का कोर्स है हिमालयन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी अच्छा इसमें एम है इसमें बी नहीं है बी है आपका बी बी ए कोर्स है यहाँ पर ठीक है और आपका पोस्ट ग्रेजुएट या फिर हम कैसे से कह सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमाज भी होते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर ठीक है बेटा समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को बिल्कुल यस थैंक यू सो मच रोहित पाठक लव यू ऑल यार लव यू ऑल मतलब बहुत ज्यादा याद आती है आई मिस दोज क्लासेस की जब मैं रेगुलरली सुबह सुबह यार इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तुम्हें पढ़ाती रहती थी ठीक है सी -E जब से टी -E चल रहा था एग्जाम सी -E से पहले देली, 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 इंग्लिश के so, मैंने आपको यहाँ पर बताया है लिस्ट ऑफ कोर्सेज के बारे में है ना ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आपको बता दिया था अच्छा अब मैं इसकी बात करती हूँ यार प्लेसमेंट्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो लिस्ट ऑफ कोर्सेज के बाद आते हैं यार आपके प्लेसमेंट्स एंड प्लेसमेंट मैं बात करूं सोहेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी देखो इसमें आपके प्लेसमेंट सेल है पूरा पूरा एक प्लेसमेंट सेल है जो कि आपके प्लेसमेंट लगवाता है कौन-कौन से कोर्सेज हैं आपके देखो क्या बोल रहे हैं कि 67 अंडर ग्रेजुएट्स पिछली बार क्या होता कि जो इतने क्या कहते हैं पिछले से पिछले साल की बात है कि अराउंड आपके 70 80 बच्चे जो थे वो बिल्कुल प्लेस हो गए थे सीधा यूजी प्रोग्राम के बाद ठीक है अब क्या है कि इनका पिछले से पिछले साल का पैकेज कितना का लगा था यार एवरेज अगर 3.52 लाख का लगा था और कितना तक गया था आठ लाख तक इनका सालाना पैकेज गया था यार एच एन बी जी का ठीक है बेटा सो ज़ाहिर सी बात है इस साल और भी हाई पैकेज जाएगा सो अगेन प्लेसमेंट्स यहाँ की बहुत बढ़िया हैं यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड यार 121 कॉलेजेस के अंदर तीन इसके मेन कैंपसेज़ हैं मैंने आपको बताया एक श्रीनगर में है एक आ, पौड़ी में है और एक तेहरी में है इसके तीन कैंपसेज़ हैं बेस्ट कैंपस एंड इसके अंदर जो भी आपके अंडर एफिलेटेड कॉलेजेस आते हैं सो मैं तो आपको बोलूँगी इन तीन कैंपस में अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है एंड यार अगर मैं चलो इनकी इमेजेज़ भी दिखा देती हूँ है ना कि आखिर ये यूनिवर्सिटी है कितनी प्यारी मतलब पहाड़ों पे है ये यूनिवर्सिटी और अगर मैं एच एन बी जी यू सर्च कर रही हूँ और यहाँ पर इमेजेस देख लेते चलो सो ये है आपकी एच एन बी जी यू ठीक है ये है एक आपका ऐसा कैंपस कुछ है ठीक है पहाड़ों पे है ये कैंपस ये देखिए है ना आप देखते चलो ये देखो ये है लिस्ट ऑफ़ यार यहाँ पर देखो ठीक है ये है आपका पहाड़ों पे कैंपस है एच एन बी जी यू का राइट सो so बेसिकली ये आपकी बिल्कुल उत्तराखंड की यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और चलिए सो so अब हम सेशन को यहाँ पर यहीं पर रैपअप करेंगे और इस साल का मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हम लोगों का रिजल्ट जो रहा है यार सी यू टी में कितने सारे हंड्रेड परसेंट टाइलर्स रहे हैं पहली बार सी यू ई टी हुआ और पहली बार में ही शानदार 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 रिजल्ट लैंग्वेज के लिए जनरल टेस्ट के लिए सारे डोमेन्स के लिए राइट बेटा सो so, इंग्लिश के ये हमारे ये सारे बच्चे बेटा जिनके दो दो सौ दो दो सौ यानी कि फुल फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हैं हंड्रेड परसेंट टाइलर्स साइंस के हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन परसेंट टाइल कॉमर्स के हंड्रेड एंड नाइनटीन परसेंट टाइलर राइट आर्ट्स के लिए बेटा जी के लिए ऑल द फ्लडेड यू फ्लडेडा ट्वेंटी फोर सेवन हैज फ्लडेड विद हंड्रेड परसेंट टाइलर्स वेरी वेरी प्राउड टू अनाउंस दिस एंड दो वाले बच्चे अगर आप हमें देख रहे हो सो दो वाले बच्चों के लिए भी अड्डा के पास बहुत कुछ है सो अड्डा ट्वेंटी फ़ोर सेवन ने प्लान किया कि उसने लॉन्च क्या प्लान किया लॉन्च ही कर दिया है यार 2023 के लिए यार सी यू ई का पूरा का पूरा फुल ऑन बैच सो आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है अपने प्ले स्टोर से फ़ोन के एंड यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज पे जाना अंडर ग्रेजुएट पे जाना सी यू ई पे जाना आप लोग एंड सपोज़ आप दो एक साइंस के स्टूडेंट हो आपके बोर्ड्स साइंस के हैं यानी कि हो सकता है कि आप साइंस हो आर्ट्स हो कॉमर्स से हो सो ये है आपका फुल ऑन ट्वेल्थ प्लस सीयूटी बैच जिसमें आपको ट्वेल्थ बोर्ड्स के लिए भी पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ ही आपको सीयूटी अप्रोच से आपको पढ़ाया जाएगा डोमेन्स के अलावा लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें जनरल टेस्ट है और सारे आपके साइंस के डोमेन्स ऐसे ही आर्ट्स का है कॉमर्स का डोमेन है आपका है ना बच्चा सारे बच्चे एक बार लाइक करो सेशन को जल्दी से एंड

यूपीपीटी क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाला है जस्ट एंड जस्ट कहां पर यहीं पर मिलने वाला है इसी बैच के अंदर पूरा क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाला है राइट स्टडी प्लान है आपके पास फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर हर क्लास में आपको क्या मिलने वाला है बेटा मॉक टेस्ट ई आपको मिलने वाला है नोट्स एंड स्टडी प्लान राइट सो so, अब दो आपका ओवर हो गया है दो जब तक 2023 एग्जाम आएगा सी का तब तक ये बैच आपका चलने वाला है राइट ईयर लॉन्ग जब तक सो साढ़े नौ हजार का बैच है पूरे साल का है यार एक महीने का नहीं है ये बैच पूरे साल के बैच की अगर मैं बात करूँ सो यहां पर आप जाए ना इस पर डिस्काउंट मिलेगा साढ़े नौ हजार पे व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना एंड बेटा यहां पर एंटर कूपन कोड डाल देना लिख देना ताकि आपको डिस्काउंट मिले वाई फोर फाइव थ्री वाई फोर फाइव थ्री वाई फोर फाइव थ्री जब आप यहां पर अप्लाई करोगे सो ये देखो ये जो साढ़े नौ हज़ार का बैच है इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा वाई फोर फाइव थ्री कोड लगाने के बाद और ये रहा डिस्काउंट कूपन कोड होता है बेटा जिससे आप डिस्काउंट पाओगे हर एक बैच पर और ये आपका सेवन एट एट फोर का so, सो अराउंड आपको तेरह पंद्रह सौ रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है ये कूपन कोड लगाने के बाद पूरे साल का बैच है परचेज कर सकते हो और डिस्काउंट भी मिलेगा बाई यूजिंग द कोड वाई फोर फाइव थ्री सो गए सेशन को एंड करेंगे कोई डाउट है तो जरूर कॉमेंट्स में डालिए एंड गूगल फॉर्म का एक लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो है आपका फ्री काउंसलिंग सेशन के लिए जस्ट जिस बच्चे को फ्री काउंसलिंग में एनरोल करना है जिसको फ्री गाइडेंस काउंसलिंग चाहिए अड्डा से सो वो गूगल फॉर्म को फिल करें आप वहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं ओके गाइस सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय टेक केयर लव यू ऑल